जबरदस्त हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से ये मेहंदी तैयार होगी जो ना यहाँ आ रही है, और बकायदा इसका वजन भी जो ना करा जा रहा है। घर में बैठ के भी अर्निंग करें, कमा सकती हैं वो, जबरदस्त ये सब चीजें होती हैं। हमारी चेन से चेन बनती है, तो फिर उल्टे आती। अब इसका कलर देखेंगे, इसका कलर क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले दुरूद पाक सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं इस टाइम हूँ कशमाना मेहंदी के कारखाने में मौजूद हूँ। मैंने पिछली वीडियो में माशाल्लाह से मैंने ये वीडियो बनाई थी कशमाना मेहंदी के कारखाने की, आज मैं फिर दोबारा कशमाना मेहंदी के आया हूँ यहाँ पर। और इनके पास जो माशाल्लाह से अरक और लाल मेहंदी जो इनके पास बनाई गई है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मेहंदी है। चलो चलते अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर लाइक करिएगा, ठीक है ना। तो ये नाज़रीन की देखने के देखें, ये कारखाना है कशमाना मेहंदी का, सही है। और ये देखें यहाँ पर जो मशीन जो मेहंदी बनाई जा रही है। आमिर भाई, ये अरक बन रही है, लाल मेहंदी बन रही है, ये ब्रांडर मेहंदी बन रही है, बहुत ज़बरदस्त भाई। ये देखने की भाई, ये मेहंदी बन रही है, ठीक है ना। कशमाना मेहंदी के कारखाने में मौजूद हूँ। अच्छा, और ये वाली दिखाइएगा, ये कौन सी है, ये लाल मेहंदी है? नहीं, ये ब्राइडल मेहंदी रेडी हो गई है। अच्छा, रेडी हो गई, ये डाल रहे हैं भाई, देखिए आप, ये जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। और ये देखें, बेहतरीन, जबरदस्त। इस तरह हम क्रैश करते हैं, बिल्कुल। ये मशीन चल रही है और ये यहाँ से ये निकल रही है, ये देखें आप, सही है भाई, जबरदस्त हो गया भाई, बेहतरीन हो गया, जबरदस्त। तो भाई ये है कशमाना मेहंदी का कारखाना, और यहाँ पर मेहंदी जो बनाई जा रही है, अरक भी बनाया जा रहा है, और मेहंदी भी यहाँ पर लाल मेहंदी भी जो है ना तैयार करते हैं गारंटी के साथ। यहाँ पर इन लोग ये मेहंदी दे रहे हैं, देखें यहाँ पर ये मेहंदी जो है ना कौन भरी जा रही है, देखें यहाँ पर, ठीक है। और ये जो बैठे हुए माशाल्लाह से भाई, आमिर भाई नाम है इनका, और ये है ओनर है यहाँ के, ओनर, ठीक है ना। अब ये देखिए, खुद भी इनको काम करना पड़ा, देखो यहाँ पर, ये है देखो सारी बात, भाई जबरदस्त भाई, ये देखें किस तरह भरी जा रही है मेहंदी, जबरदस्त, बेहतरीन। 50 ग्राम भरी जा रही है, जबरदस्त हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से ये मेहंदी तैयार होगी जो ना यहाँ आ रही है, और बकायदा इसका वजन भी जो ना करा जा रहा है कि इसमें कितनी है। ये देखिए वजन कितना आ रहा है इसका, आमिर भाई बताइएगा। ये 52 ग्राम का है, ये 52 ग्राम का है, ऊपर ही रखते हैं हम, कम नहीं रखते, जबरदस्त जबरदस्त। और ये यहाँ पर ये देखिए पैकिंग होगी यहाँ पर, ये देखिए, ये क्या नाम है तुम्हारा? अमीर आदत है, अमीर आदत, अमीर, अमीर आदत, आदत भाई, ये देखें। अच्छा, ये आपके बेटे भाभी, ज़बरदस्त हो गया, ये देखिए पैकिंग कर रहे हैं ये छोटे, ये देखें, ये कशमाना मेहंदी के कारखाने में मौजूद हूँ, और यहाँ पर ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनके पास मेहंदी, अरक और दूसरी मेहंदियाँ भी इनके पास मौजूद हैं, भालों की मेहंदी भी इनके पास मौजूद है। इनसे रब्ता ज़रूर करिएगा आप। अच्छा, अगर किसी, हमें ईद पे ये कि थोड़े से कारीगर वगैरह की ज़रूरत होती है, अगर किसी को पैकिंग वगैरह इस तरह की आती हो जैसे हम करते हैं, ठीक है, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमें ईद पे ज़रूरत होती है। बस सही है भाई, इन्होंने कहा है कि भाई, भाभी ने कहा है कि भाई, अगर किसी को अगर ज़रूरत हो पैकिंग, जानता हो काम इसका पैकिंग का, तो इनसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे आप चलता हुआ नजर आ जाएगा आपको, इंशाल्लाह आ जाएगा। ये देखिए भाई, ये देख रहे हैं यार, ज़बरदस्त ये पैकिंग हो रही है भाई यहाँ। चलो चलते हैं और यहाँ के ऑनर से भी बात करते हैं, ये मेहंदी के अंदर और क्या क्या इनके पास मेहंदी, इनके पास कौन कौन सी मेहंदी आई है, अरक भी आया है इनके पास, और लाल मेहंदी भी इनके पास आई है, इन्होंने बनाई है। चलो चलते हैं और यहाँ से इनसे बात करते हैं, तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, खैरियत से? जी जी, भाभी क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अच्छा भाभी और आमिर भाई, माशाल्लाह से पिछली वीडियो जो मैंने जो बनाई थी आपकी, खरीद कौन की बनाई थी, आप क्या लेकर आए हैं आप नया? अरक और लाल मेहंदी का बड़ा नाम सुनने में आ रहा है, तो आपके पास क्या है, ज़रा दिखाएं ज़रा हमारे व्यूअर्स को भी, ताकि वो लोग देखें, ताकि आप लोग से वो फिर वो रब्ता कर सकें फ़ोन पे भी। पहले सबसे पहले आप अरक दिखाएं, आप अरक जो आपने जो बनाया है बहुत ज़बरदस्त किस्म का अरक बनाया है, मैं भी अपने हाथों में लगा के दिखाऊंगा भाई। जी 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 जी, इन तीन उंगलियों में दिखाऊंगा ज़रूर कि इसका कलर कैसा है, 5 मिनट या 10 मिनट, ठीक है। ये फरीद भाई अर्क हमने बनाया है, तो पुराना है अर्क, और बहुत अच्छा रेड कलर में अर्क है, और अच्छा फाइन, इससे भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इसके अलावा हमने एक रेड मेहंदी तैयार की है, ठीक है, और वो पहली दफ़ा हमने मेहंदी में मेहंदी बेस है, वरना लोग रेड मेहंदी होती है जेल मेहंदी पे बनाते हैं, उसमें जलने की शिकायत आती है या कलर ठीक नहीं होता, हमने
कोशिश करने के बाद बिल्कुल मेहंदी बेस पे ही जो है ना हमने रेड कलर बनाया और उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। और बाकी जो आपने वीडियो बनाई उससे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, पूरे पाकिस्तान से बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने हमसे रابطہ किया, हमारी कई बहनों ने हमसे रابطہ किया, फैसलाबाद, एबटाबाद, इस्लामाबाद, पिशावर और भी कई एरियाज हैं जहाँ पे हमने मेहंदी आपके तवसुस से। अच्छा चैनल अब यार लाल मेहंदी जरा बताएं भाभी, लाल मेहंदी के बारे में, अरग का तो भाई आप लोगों ने देख लिया भाई, ठीक है ना, ये अरग है, ठीक है, सही ना। अब लाल मेहंदी आपको दिखाएंगी है कि लाल मेहंदी मतलब कैसी है, मतलब क्या इसकी खासियत है, जरा भाभी जरा बताएं, जरा जोर से बोलिएगा ताकि माइक में जरा भाई जरा सही से आ जाए। रेड मेहंदी की ये खासियत है कि पूरे पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ जेल कोन इस्तेमाल हुई है, सिर्फ जेल कोन हुई है। और जेल कोन से होता ये है कि जब वो लगती है तो बाज़ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो जब छूटती है वो तो उससे काफ़ी इरिटेशन हो जाती है लोगों की। लेकिन हमने जो है हमने ये मेहंदी इसलिए बनाई है और ये नेचुरल मेहंदी पे हमने बनाई है। नेचुरल मेहंदी आप अगर पूरी रात भी रेड कोन को रखेंगी ना तो उससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। जैसे हमारी डार्क ब्राउन वाली मेहंदी ब्राइडल कोन है, बिल्कुल समझ लें वो डार्क ब्राउन कलर की है, डार्क मैरून कलर की, और ये रेड है, बस फ़र्क ये है। बाकी आप पूरी रात रख सकती हैं, कुछ भी इरिटेट नहीं होगा। अच्छा इस ये कितने दिन तक, कितने महीने तक रख सकते हैं? जैसे बाज़ लोग रख लेते हैं फ्रिज में, ठीक है, लगा छोड़ देते हैं कि खराब, बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि वो जो ना पानी छोड़ देती है मेहंदी। जी जी, ठीक है। आपकी मेहंदी में कोई ऐसा तो नहीं जैसे पानी छोड़ दियो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेहंदी में पानी बिल्कुल नहीं छोड़ेगी वो कौन। लेकिन हाँ ये हो सकता है कि 10-15 दिन बाद वो थोड़ी सी उसका रैपर थोड़ा सा लूज हो सकता है, लेकिन पानी हरगिज हरगिज नहीं छोड़ेगा। अच्छा मैं, अच्छा इन्होंने मुझे मेहंदी दी थी भाई, ठीक है ना, मैंने आपको लगा के भी दिखाई थी पिछली वीडियो में, आप देख लेंगे तो आपको नजर आ जाएगा, ठीक है ना। मैं लेके गया था, इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था, मैंने अपनी बेटियों को भी लगाई, मेरी वाइफ ने भी लगाई, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त कलर आया। और 12 रबीउल नूर में यानी कि 11वीं की रात को यानी कि मेहंदी हाथों में लगाई थी, यकीन नहीं करेंगे आप लोग ये बहुत ज़बरदस्त कलर आया, यानी कि और मज़ीद तेज़ हो गया कलर और तेज़ हो गया। अभी तो मेरी उंगलियाँ देख रहे हैं आप कैसी हो रही हैं, बिल्कुल साफ हो रही है ना। अभी मैं आपके सामने इंशाल्लाह मैं लगा के भी दिखाऊंगा, तकरीबन 10 मिनट में आपके सामने में लगा के दिखाऊंगा और इसका कलर भी दिखाऊंगा, इसका कलर कैसा आता है इसका। अच्छा तो तीसरी जो मेहंदी आपके पास आती है, अच्छा एक अरख के बारे में एक खासियत ये भी है हमारे कि अरख पुराने ज़माने वो मैरून कलर बहुत डार्क ब्राउन पे चला जाता था, तो वो अक्सर लोग जो है ना वो कहते हैं ये तो फिर छूटता ही नहीं, और छूटता है तो बहुत वो के। लेकिन ये वाला जो अरख है ना, ये जैसे गुलाब की पंखड़ियों का कलर होता है ना, डार्क मैरून खूबसूरत कलर, तो अगर आप ये लगाएंगी तो ये कलर, वो वाला कलर उसमें आएगा, वो बहुत खूबसूरत नेल पॉलिश के, नेल एनिमल की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत खूबसूरत लगेगा। भाई अरख लगाएं, नाखून पॉलिश नहीं लगाएं, अलग लगाएंगे तो उसमें बिल्कुल कलर ऐसा आएगा जैसे नाखून पॉलिश लगी हुई, मगर क्या है वो नाखून पॉलिश होगा, मतलब नाखून पॉलिश नहीं होगी मगर वो होगा अलग। अच्छा एक चीज़ फरीद भाई बताऊँ मैं, एक चीज़ और है कि हमारी ये वाली कोन जो होती है ना, ये वाली, ठीक है, तो ये सेलिंग के हिसाब से भी है और लगाने के हिसाब से भी। लेकिन मेन मेहंदी आर्टिस्ट लड़कियां जो होती हैं ना, वो अगर एक दिन में 4-4, 5-5 दुल्हनें लगाती हैं तो उनकी कलाइयों में दर्द हो जाता है, उसके लिए हमने ये वाला रैपर रखा है। अच्छा। अगर वो 10 दुल्हनें भी लगाएंगी ना तो उनके हाथ में कोई भी दर्द नहीं होगा, क्योंकि बहुत लाइट सॉफ्ट रैपर है और इसकी नोक ऐसी होती है जैसे पेन जैसी होती है, तो ये उनके लिए है जो मेहंदी आर्टिस्ट हैं। लेकिन बेचने के हिसाब से ये 2 दिन में वही थोड़ा सा रैपर जो है वो लूज पड़ जाता है, बस ये है इसमें, नहीं तो 2 महीने तक भी मेहंदी रखेंगे तो ख़राब होने का नाम नहीं लेगी और कलर भी वही रहेगा। नहीं जैसे अगर फ्रिज में अगर रख देते हैं बाहर रख देते हैं, हाँ इससे कुछ फर्क पड़ता है? जी फ्रिज में जो है ना वो हमारी मेहंदी ना रखें आप। अच्छा ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर रखें, आम कहीं पर भी रख सकती है, इसका टेम्परेचर हो जाए 27 का टेम्परेचर हो जाए, आम होता है घर में, ठीक है, आप उसमें आप मेहंदी को रख सकते हैं, मगर फ्रिज में थोड़ा सा एहतियात करिएगा। जी अगर एसी चल रहा हो तो वहाँ पे भी रख सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है, लेकिन फ्रिज में रख ना रखें, फ्रिज बहुत ज्यादा ठंडा होता है, बहुत ज्यादा, तो इसलिए आप यानी कि ऊपर फ्रीजर में रखें, नीचे वाले खाने में, हाँ वो रख सकते हैं, नीचे वाले खाने में आप रख सकते हैं, वो 2 महीने तक भी ऐसे रहे। अच्छा ये एक दर्जन कितने की दे रहे हैं, अरग कितने का दे रहे हैं, और लाल वाली मेहंदी क्या दर्जन दे रहे हैं? ये अर्क जो है हम दे रहे हैं 150 रुपीस दर्जन के हिसाब से दे रहे हैं, 150 रुपये का एक दर्जन 12 पीस, यानी कि 150 रुपये के 12 पीस अर्क के। ये देख रहे हैं आप कश्मीरी मेहंदी
भाई धूम मचा दी है, जल्दी जल्दी इनसे रब्ता करिएगा भाई। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान से भी बाहर से लोग भी हैं तो इनसे ज़रूर रब्ता करें भाई, ताकि आप लोगों को इंश्योरेंस इतनी सस्ती महंगी और अरद आपको मेरे ख्याल में नहीं मिलेगा भाई। मार्केट में वैसे इतना महंगा है बहुत, मगर ये आपको 150 रुपये के बाहर ना पड़ रहा है आपको सिर्फ अरद। अच्छा दूसरा दिखा दिएगा, दूसरा ये रेड मेहंदी है, ये जो है हमने इसके रेट्स रखे हैं 600 रुपये। अच्छा ये कौन सी है? ये है 45 ग्राम्स की है ये मेहंदी हमारी, रेड मेहंदी है, लाल मेहंदी है, लाल मेहंदी है भाई, ये लाल मेहंदी है। और ये क्या दर्जन दे रहे? 600 600 रुपये 600 रुपये दर्जन है, यानी कि मार्केट में कितने की पड़ गई थी? 50 रुपये की भाई, ये 50 रुपये की मार्केट में एक पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आप कारखाने से यहाँ से उठाएंगे कशवाला मेहंदी के कारखाने से तो आपको 600 की पड़ेगी, 600 की 12 जी जी भाई, 600 रुपये की 12 पड़ रही है। और जैसे कोई ज्यादा लेता है ठीक है सेलिंग के लिए तो फिर उस पर हम और बड़ी गुंजाइश करेंगे। अब जब ज्यादा लेंगे आप, यानी कि 2-3 दर्जन आप लेंगे तो उसमें आप डिस्काउंट, 5 दर्जन में यानी कि डिस्काउंट कर देंगे, यानी कि आपसे जबरदस्त होगी। ये लाल मेहंदी है जी जी, ठीक है। अच्छा आप इसके बारे में कुछ फरमा रही थी इसका? जी फरीद भाई, जो लड़कियाँ सीखती हैं मेहंदी कोर्स करती हैं तो उनको या तो वो जब सीख रही होती हैं तो जाहिर है वो किसी के हाथ लेती हैं कि भाई आइए आप हम आपके वो करें, तो उसके लिए एक ये निकला है ये हैंड, ठीक है। लोग भाई नखरे भी करते हैं, नहीं भाई हमें नहीं लगवानी, तुम तो अभी सीख रही हो तो हम कैसे लगवाने, हमारे हाथ बिगाड़ दोगी, तो उसके लिए हमने ये हाथ निकाला है, ठीक है। ये हाथ है मतलब ये है नहीं, देख लें आप, इसमें बच्चे आराम से जो है ना सीख सकती हैं। ऑनलाइन जी ऑनलाइन भी मिलेगा ये आपको, ऑनलाइन में भी, और आपको ये नंबर भी बताएंगे तो उसमें भी आप रब्ता कर सकती हैं। अच्छा नंबर इन पे बताएंगे आप लोग हमसे कांटेक्ट करेंगे तो फिर हम आपको आगे सेल करने के तरीके भी बताएंगे इंशाल्लाह। आप जो लेडीज या लड़कियां घर बैठे कोई अर्निंग करना चाहती हैं, कमाना चाहती हैं, वो भी हम आपको तरीके बताएंगे कि आप किस तरह से अर्निंग कर सकती हो घर में बैठे और किस तरह सीख सकती हो, सीखने के बाद ऑनलाइन किस तरह आप लोगों लड़कियों को और आगे लड़कियों को सिखा सकती हो। इस तरह चेन से चेन बनेगी तो होगा ये कि हर लड़की को इंशाल्लाह मेहंदी आएगी घर में लगा घर बैठे। जबरदस्त। अच्छा ये हैंडी है कितने का वैसे, अगर कोई मंगाए तो? ये अगर ये आप हमारे कारखाने से लेंगे तो आपको पड़ेगा 700 रुपीज का, 700 रुपीज़ का, यानी कि देख लें भैया। और वैसे ये अगर ऑनलाइन अक्सर लड़कियां हमसे लेती हैं तो 1500-2000 तक में ये सेल कर रही हैं। अच्छा 2000 रुपये में जी भाई, क्योंकि तो आम नहीं मिलता, मगर ये कशवाला मेहंदी से आप रब्ता करेंगे तो आपको ये 700 रुपये का पड़ रहा है, ऐसे ही है भाभी जी बिल्कुल। यार 700 रुपये का मिल रहा है भाई, आप इसमें बच्ची आराम से जो है सीख सकती हैं कौन मेहंदी, यानी कि कौन मेहंदी इसमें लगाना ऑनलाइन में भी, यानी कि ये बताया जा रहा है, ठीक है ना। जबरदस्त हो गया। अच्छा ये बड़ा जबरदस्त दिखाया आपने। अच्छा ये हमारे पास बुक्स हैं मेहंदी सीखने वाली लड़कियों के लिए, ठीक है। ये दो तीन जरा फर्क जरा हटा के दिखा, इसमें ऊपर करें थोड़ा ऊपर, इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइंस हैं, ये देखिए इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे सीखने के लिए, सीखने के ठीक है। और भी बहुत अच्छे अच्छे, अच्छा इसमें दो तरह की होते हैं, दो तरह की बुक्स हम हैं, एक तो ये है ये एडवांस है। अच्छा। मतलब थोड़ी बहुत मेहंदी जिनको आती हो फरीद भाई जी, तो वो इसमें से देख के लगा सकती हैं। बिगनिंग में क्या होता है, बिगनिंग में होता ये है कि छोटी छोटी डिज़ाइंस दिए होते हैं जो बच्चियाँ ऑनलाइन सीख के उससे भी डिज़ाइन अपने कर सकती हैं, ले सकती हैं जी जी। ये बिल्कुल ये दुल्हन वुल्हन के जो लगाती है ना तो वो ये वो वाले डिज़ाइन, और आपको बिगनिंग की चाहिए तो बिगनिंग की बुक भी मिल जाएगी और एडवांस भी मिल जाएगी, दोनों मिल जाएगी। जबरदस्त हो गया। ये कितने की पड़ेगी अगर कोई लेना चाहे तो? ये आपको पड़ेगी 400 रुपीज़ की, 400 रुपये की पड़ेगी भाई ये पूरी, ये देख लें आपने ठीक है ना, 400 रुपये की पड़ेगी। कशवाला मेहंदी से रब्ता करेंगे इंशाल्लाह ताला तो आपको बहुत कुछ मिलेगा भाई, बहुत सस्ते फरीद भाई। मेरी कोशिश यही है कि घर में जो बच्चियां बैठी हुई हैं आजकल के में तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो वो घर में बैठ के भी अर्निंग करें, कमा कर सकती हैं वो, ये सब चीज़ें होती हैं। हमारी चेन से चेन बनती है तो फिर ये है कि सही होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा भाई ज़रा ज़रा मुझे ज़रा लगा के तो दिखाएं, ज़रा अरक लगा के दिखाएं, लाल मेहंदी लगा के दिखाएं, और क्या कहते हैं काली मेहंदी लगा के दिखाएं। अच्छा बालों की मेहंदी वगैरह नहीं मिलती आप लोगों को? वो भी मिल जाए, वो भी है भाई। काली मेहंदी भी अगर आपको लेनी हो तो रब्ता ज़रूर करिएगा इनसे, कशवाला मेहंदी वालों से, ताकि ये आप लोगों को ऑनलाइन करके भी आएंगे भिजवा सकते हैं कराची से बाहर भी आएंगे माशाल्लाह से, ये
ऑनलाइन में इनका चक्कर है, ये भी आपको इंशाल्लाह सर अभी बता देंगे ऑनलाइन का चक्कर क्या है इसका, किस तरह ये लोग पैसे मंगवाते हैं या अपना माल किस तरह भेजते हैं। ठीक है, अब तो आप लोग जो हैं, मैं तो भाई मेहंदी लगा रहा हूँ भाई आपके सामने। अच्छा भाई, ये आर्क है भाई, बैक साइड से। अच्छा, पिछली दफा भी फरीद भाई के लगी थी, आज के भी भाई देख लो, मेरी शहादत की उंगली मेरी बिल्कुल साफ है और ये मैं अरग लगा के दिखा रहा हूँ, बैक साइड से लगा भाई, मैंने नाखून पे मैं लगा रहा हूँ, ये देखिए नाखून पे मैंने लगा लिया, ये देखिए मैंने लगा तो लिया नाखून पे, कैसा लगेगा कैसा नहीं लगता ये देखें, इस तरह लगाया था, ये देखिए आपके सामने मैंने लगा लिया, अभी किस तरह लगाई थी भाई मुझे तो सर पता नहीं है, इन लोगों को नहीं पता कि कैसे लगाई थी, और वैसे माशाल्लाह कलर आ गया है बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन हो गया कलर, ये देखिए मैंने आपके सामने मैंने ये लगा लिया, अभी ये दूसरी वाली उंगली पे लगा रहा हूँ, रेड दिखा रही है, कौन सी कौन सी रेड, ये रेड फोन है, ये रेड यानी कि लाल वाली लगा रहा हूँ भाई मैं बाबा, सही है सही है सही है आमिर भाई, ये देखिए इस वाली उंगली से लगा रहा हूँ, देखिए ये मैंने लगा ली है यहाँ पर रेड कलर थी, अब इसका कलर देखेंगे कि क्या कलर आता है भाई इसका, जरा ये देखेंगे, ये देखिए आप सही है, ये मैंने अरग लगाया और ये मैंने रेड कलर की मेहंदी लगाई, अब मैं तीसरी वाली पे लगाता हूँ कि तीसरी वाले का कलर कैसा आता है, इधर वो दोनों का कलर अलग अलग मैं आपको नजर आ रहा हूँ भाई, अब ये आमिर भाई ये लगा रहे हैं भाई, ये ब्राउन में, ये हमारी ब्राइडल में ब्राइडल में थी जबरदस्त हो गया, बस 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 और बहुत है बहुत है, ये देख रहे हैं आप, ये तीसरी उंगली से लगा रहा हूँ, ठीक है मैंने लगा लिए, अब ये इंशाल्लाह तआला आपको मैं 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद में आपको मैं दिखाऊंगा कि इसका कलर क्या है, ये देखें ये तीन उंगलियों में मैंने लगा दी, तीन उंगली में लगी नहीं, मैंने इस उंगली से लगाई है, इस उंगली से मैंने लगाई है, ये वाली उंगली से लगाई है और इस हाथ पे लगाई है उल्टे हाथ पे, अब इसका कलर देखेंगे, इसका कलर क्या है, इसका खुशबू भी अच्छी आएगी ज़बरदस्त किस्म की, क्या कलर है और हाथ पे जलन तो वैसे मैंने उम्मीद ठंडक मच गई ज़बरदस्त, ये तो भाई आपने लगा दिया भाई तीनों कलरों में, अब इसका कलर देखेंगे 10-15 मिनट बाद। अच्छा ऑनलाइन का चक्कर क्या है आपको सर ये बताएं, ऑनलाइन हमारा नंबर है जो 0300-212-6648, बिल्कुल आराम से आप रब्ता करें, बहुत जल्दी बता रहे हैं अमित भाई, लगता है ऐसे ही है ना, थोड़ा हमें 212-6648 इस नंबर पर आप रब्ता करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे तो उस पर हम कोरियर कर देते हैं, ठीक है ज़्यादा होता है तो बस पे भी भेज देते हैं, ट्रेन पे भी इजीली हो। अच्छा ऑनलाइन में भी आपसे रब्ता हो सकता है? जी जी ऑनलाइन का चक्कर क्या ये मतलब बता दिया आपने, मतलब हम लियोपर्ड से हमारा है एग्रीमेंट, अच्छा उनके थ्रू हम भेजते हैं, वो हमें कम रेट पे भेजते हैं, 1 डज़न होती है, 300 रुपीज़ चार्ज देते हैं, पाकिस्तान में किसी भी एरिया में हो, बाकी मेहंदी हमारी 400 रुपीज़ डज़न होती है, ठीक है बाकी अगर ज़्यादा जैसे 10 डज़न 15 डज़न तो फिर वो उसमें कोरियर ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है वो फिर हम ट्रेन से भेज देते हैं या कोच से भेज देते हैं। अच्छा यानी कि पेमेंट आप आधी पेमेंट ले लेते हैं? जी जी पेमेंट हम एडवांस लेते हैं, एडवांस पेमेंट, और आपका ऑर्डर फौरन ही जो है डिलीवर हो जाता है, नंबर बता दिया, मगर मर्द हजरात ज़रूर आमिर भाई से रब्ता करिएगा, मर्द हजरात, अब ज़रा भाभी ज़रा आप अपना नंबर बता दें ताकि लेडीज आपसे आपसे लेडीज ही रब्ता कर सके, क्या चक्कर है ऑनलाइन का चक्कर आप भी ज़रा बता दें किस तरह आप भेज सकती है सामान अपना बाहर कराची से बाहर। हाँ मेरा नंबर है 0324-236-4358, मेरा नाम फरीन इरफान है, ठीक है और रब्ता करना हो ऑनलाइन वगैरह सब पहुंच जाएगी मेहंदी आपको, बिल्कुल अगर 2 डज़न 3 डज़न का ऑर्डर होता है तो हम लिपर्ट के ज़रिए भेजते हैं, और अगर 10 डज़न का ऑर्डर होता है तो हम बिल्टी करवा लेते हैं कोच के ज़रिए या फिर ट्रेन के ज़रिए हम आपको ऑनलाइन भेज देंगे, बस सही है। अच्छा लेडीज़ आपसे ज़रूर रब्ता करें? जी जी लेडीज़ करें मुझसे रब्ता, लेडीज़ से आपको रब्ता करना पड़ेगा, लेडीज़ से रब्ता करना पड़ेगा, और आमिर भाई ने नंबर आपको बता दिया, आप इनसे मर्द हजरात आमिर भाई से रब्ता कर सकते हैं। आपके सामने मेरी ये मेहंदी लगाई थी अलग अलग दूरी पर, ठीक है ना, सीधा से मैंने लगाई थी और ये उल्टे हाथ पे मैंने लगाई है, ठीक है ना, सीधा से लगाई थी उल्टे हाथ पे, अब मैं आपके सामने इसको मैं धो रहा हूँ, उसका तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और मैं इसको मैं धो रहा हूँ, उसका कलर क्या आता है, सबसे पहले मैं दूंगा अरग का, अरग का क्या कलर आता है, ठीक है ना, तो आमिर भाई जरा खोलिएगा जरा, ये अरग से मैं धो रहा हूँ, ये देखें
ज़बरदस्त माशाल्लाह से यार, उंगली पे ये कि डिफरेंट है और नाखूनों पे और ओहो नाखून पे तो बड़ा ज़बरदस्त कलर आया है, बहुत ज़बरदस्त हो गया आमिर भाई भाभी, बहुत माशाल्लाह कलर बहुत अच्छा है। मैं कह रही हूँ ना, मैंने किसी को मैं दिया था अरब तो उन्होंने लगाया था, बेहतरीन, तो इतना खूबसूरत लग रहा था वो कलर, वो ब्राउन से हटके था, ये देख रहे रेडिश। अच्छा भाई ये तो हो गया अरब, ठीक है ना, अब मैं हटा रहा हूँ लाल मेहंदी, अब लाल मेहंदी का क्या कलर आता है ये भी मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें इससे लगाई थी मैंने बीच वाली उंगली से, और ये देखें ये लाल मेहंदी का कलर, ओ हो 10 मिनट होगा ये देख कैसा कलर निकल रहा है यार उसका यार, ये देखें लाल मेहंदी का कलर, ओहो ज़बरदस्त हो गया भाई, रेड कलर आ चुका है और बहुत पक्का कलर आ चुका है, ये देख लें आप, ये अरग है और ये लाल मेहंदी है भाई, ज़बरदस्त हो गया यार बेहतरीन। अच्छा अब मैं दूसरी मेहंदी या तीसरी वाली मेहंदी है, ये ब्राइडल मेहंदी है, ठीक है ना, अब ये देखें इसका कलर के साथ है इसका भी, हटा देते हैं इसे यार, ये कलर आया ना ज़बरदस्त हो गया भाई कलर यार, अरग का कलर तो बिल्कुल ऐसा हमारी पुराने ज़माने में अम्मियाँ लगाती थी ना, तो वो हम तो अब कहते हैं कि ब्राउन कलर होना नहीं चाहिए, वो छुटता इतनी मुश्किल से, बिल्कुल ये वाला अरग का कलर बड़ा खूबसूरत है, ये न्यू जनरेशन के लिए कलर हमने बनाया, ये देख रहे हैं भाई ये अरग है, ये लाल मेहंदी है और ये ब्रांड मेहंदी है, ये ब्रांड मेहंदी है, ये देख लें आप, अब माशाल्लाह जो मैंने इस उंगलियों से लगाई थी, अब ये देख लें 10 मिनट मैंने लगाई और 10 मिनट में क्या कलर आया है ये आपको नज़र आ रहा है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा भाई आप लोगों ने देख लिया कि माशाल्लाह से मैंने ये मेहंदी आपके हाथ में मैंने लगाई थी, अरग लगाया, लाल मेहंदी लगाई, उसके बाद मैंने ब्रांड मेहंदी लगाई, ठीक है ना, तो ये कलर आपको नजर आ, मैंने सीधे हाथ से लगाई थी, कलर आपको नजर आ, ठीक है ना, वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सभी दिन को उसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा हाजिर रहूँगा, कहाँ की किधर की कौन सी जगह की होगी कौन सी जगह की, जब तक इजाज़त दिए मुझे इंशाल्लाह दोबारा दूंगा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।